ये देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया फूले फूले मोम घुल जाने वाले ऑयल फ्री दही बड़े हमारे काजी बड़े। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं हूँ सुनीता और 50+ हमारे चैनल का नाम है। आप सभी का स्वागत है। तो लीजिए, बनाएंगे आज दही बड़े बढ़िया वाले और ऑयल फ्री। तो ये ले ली हमने आधा किलो मूँग की दाल और इसको रात भर भिगो दिया। कम से कम 5-6 घंटे आप ज़रूर भिजा देना इसको। तो हमने रात भर भिगा दिया था। और एक ले लिया मिक्सी का जार हमने, और इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा ये दाल और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्ची। ये डालकर हम इसको बढ़िया सा इसका घोल तैयार करेंगे। और ये देखिए, बढ़िया सा घोल तैयार हो गया है, एकदम बारीक वाला। और इसमें पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है और छलनी में निकाल लिया था ताकि इसमें थोड़ा भी पानी न रहे। और इसको बाइंडिंग के लिए ये डालेंगे जो है गेहूं का आटा। और ये डाल दी हमने मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा भुना जीरा और थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हींग। इसमें वैसे डलता है खड़ा धनिया, साबुत धनिया जो रहता है वो डलता है, और स्वाद अनुसार नमक। तो हमारे यहाँ ना खड़ा जो धनिया वो पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने पिसा हुआ डाला है। और ये खोलता हुआ सरसों का तेल है, एकदम गरम कर लिया है, एकदम इसमें धुआंधार हो गया था। ऐसे ही इसमें हमने डालना है और अच्छे से फेंट लेना है। इस घोल को अच्छे से फेंट लिया है 2-3 मिनट के लिए, तो ताकि अच्छे से फूल जाए और हल्का हो जाए। और इसके बड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे फूले फूले। और एक ले ली हमने कटोरी, और इसके ऊपर साफ कपड़ा ले लीजिए और इसका बना लीजिए डमरू, ऐसे लपेट कर इसके ऊपर बनाएंगे हम बड़े। और एक कटोरी में ले लीजिए पानी, इसमें हाथ हम भिगो भिगो कर इस डमरू को पोंछते जाएंगे ताकि हमारे हाथों को भी नहीं लगेगा और इस डमरू पे भी नहीं चिपकेगा। ऐसे पतला पतला जो है घोल इसके ऊपर फैला कर एकदम छोटी सी पूरी के जैसा, और ये ऐसे डालते रहेंगे हल्के हाथ से। और ये गरम ऑयल हो गया है हमारा, हमने पहले ही चढ़ा दिया था। और दोस्तों, ये रात का समय है तो थोड़ा वीडियो काला आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा और बड़े के ऊपर ध्यान दीजिएगा जो कि बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और ये देखिए, हमने इसके अंदर डाल दिए हैं जो ऑयल हमारा गर्म होकर तैयार हो गया था। और ऐसे पतली पतली बनाइएगा, मोटी बिल्कुल भी मत बनाइएगा। मोटी बनाने से इसके अंदर गांठ गांठ आ जाती हैं और बड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये देखिए, हमारे बड़े एकदम फूले फूले एकदम तैयार हो रहे हैं। और हल्का सा ब्राउन होते ही हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे सारे बड़े जो है ना, इसमें ऐसे ही बना लेंगे। और एक बार मैं फिर बताती हूँ, ऐसे पूछते जाइए इस डमरू को पानी से और हाथ को भिगोते जाइए ताकि हाथ को न चिपके और ये डमरू के ऊपर भी ना चिपके। ऐसे हल्के हाथ से निकाल कर ऑयल में डालते जाइए, ऐसे पूछ पूछ कर। और सारे बड़े ऐसे ही तैयार कर लीजिए। तो आप बोलोगे कि आप तो बिना ऑयल के बना रहे थे, ऑयल में बना रहे हो। मैं बताऊंगी आपको बाद में इसके बारे में भी, जो कि इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये सारे बड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम पूरी जैसे फूले फूले। देखिए, मैं थोड़ा सा दबा कर बताती हूँ आपको। ये देखिए, एकदम रुई जैसे सॉफ्ट। और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी डालने से क्या होगा, ये पूरा थोड़ा बहुत इसमें ऑयल है ना, वो इसके अंदर पानी में आ जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट हमारे जो है काजी बड़े बनेंगे। और इसको हमने बड़ों के इसके अंदर 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देना है। ये जब तक नहाते रहेंगे हम बनाएंगे इसका बढ़िया सा काजी, मतलब पानी काजी वाला। और इसमें डाल दिए हमने काला नमक और ये पीसी हुई 2 चम्मच राई और थोड़ी सी लाल मिर्ची। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा, जिस काला नमक, सेंधा नमक, ये सारे नमक हम इसमें डाल देंगे। मैं सेंधा नमक खाती हूँ तो मैं सेंधा ही नमक इसमें डालती हूँ हर चीज़ में, क्योंकि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए, बीपी के लिए। और इसको अच्छी तरह से हम मिला देंगे ताकि ये काजी जो है बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए, ये पूरा अच्छे से मिला दिया हमने। 2-3 लीटर पानी ले लिया है जिससे कि सारे बड़े इसमें डूब जाएँ। और ये देखिए, हमारे बड़े जो है नहा धोकर तैयार हो गए हैं वो पानी में, और इसका पूरा ऑयल इसमें निकल जाएगा वो पानी में। ऐसे हथेलियों के बीच में रख के दूसरे हाथ से दबा दबा कर इसका पूरा पानी निकाल कर हम इस काजी में डाल देंगे। ऐसे करके पूरे बड़े इसमें डाल दीजिए।
और ये देखिए मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, एकदम फूले फूले पूरी जैसे। और सारे बड़े इसमें डाल देंगे हम, जो कि बहुत ही बढ़िया से तैयार होंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए। ये देखिए इसमें आ गया है जो भी ऑयल था एक्स्ट्रा इसमें, और ये एकदम ऑयल फ्री बड़े हो गए हैं। सो इसलिए मैंने बोला था ऑयल फ्री बनाएंगे। तो ये देखिए इस जो हमारे, और इनको रख देना है हमें 12 घंटे या 24 घंटे बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, उसके बाद फ्रिज में रखना है। तो इसको ढककर हम बाहर ही रख देंगे जिससे ये पानी एकदम फर्मेंट हो जाए और बढ़िया सा खट्टा सा टेस्ट आ जाए इसमें। तो इसको रख दीजिए साइड में और इसका करेंगे इंतज़ार हम कल तक। और इस दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है ज़रूर देखते रहिए। ये देखिए हमारा पानी जो है एकदम फर्मेंट हो गया है, बढ़िया सा तैयार हो गया खट्टा सा, जो इसमें राई थी वो फूल गई है। और ये देखिए कितने बढ़िया तैयार हो गए हैं। और अब हम बनाएंगे इसके दही बड़े, काजी बड़े। तो देखते रहिए वीडियो को। और एक ले ली हमने बोल और इसमें बनाएंगे सबसे पहले काजी बड़े। ये देखिए ऊपर पूरी सरसों जो है फूल कर आ गई है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये बड़े आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये एक बोल ले ली हमने और इसमें डाल दिया, एक ही बड़ा आएगा इसमें क्योंकि ये पूरी जितना बड़ा है। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे 2-3 चम्मच ये काजी। तो ये डाल दी है और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। अगर आपको पसंद हो तो इसके ऊपर आप खट्टी मीठी जो इमली की चटनी होती है वो डाल सकते हो। तो काजी बड़ा ऐसे खाया जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे दही बड़ा। तो दही बड़े के लिए हमने एक बोल ले ली है और इसमें डाल देंगे एक बड़ा। बड़े को ऐसे लीजिए और हाथ के बीच में रख के इसका पानी निचोड़ दीजिए। जो दही बड़ा बनता है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आने देना है। ये देखिए, और इसके ऊपर फेटा हुआ दही डाल देंगे। अगर आपको मीठा दही पसंद है तो आप मीठा दही डालिएगा, अगर आप घर में मीठे दही नहीं खाते हैं तो आप प्लेन दही डालिए। मैं प्लेन दही डाल रही हूँ बिना मीठा के। और इसके ऊपर डाल देंगे हम खट्टी मीठी इमली की चटनी जो कि मैंने घर में बनाई है बहुत ही बढ़िया सी। तो ये डाल दी हमने इसके ऊपर इमली की चटनी, ये देखिए। और इसके ऊपर डाल देंगे हम ये जो है धनिया पुदीना की चटनी जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और डाल दिया चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा सेंधा नमक। और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और एकदम फुला फुला रोई सा मुँह में घुल जाने वाला है। ये देखिए कितना बढ़िया है, मैं अंदर से आपको बता रही हूँ। ये देखिए सबको बहुत ही पसंद आएगा, बच्चों को बड़ों को। सो दोस्तों आप ट्राई ज़रूर करना और हमें बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगे बनाकर। और ये एक गिलास भर के अगर आप कोई पीना चाहता है ये काजी, सबको बहुत पसंद आती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो अटरम सटरम त्योहारों पर खाते हैं ना, ये हजम कर देता है ये पानी, इसीलिए ये दही बड़े बनाए जाते हैं। वैसे मैं जब मन करता है तब बच्चों को बना कर दे देती हूँ। सो दोस्तों आप भी ज़रूर बनाना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाया है। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का रखिएगा।